डी स्टूडेंट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग रिस्क असमेंट कि आर्गेनाइजेशन के अंदर जो हैजर्डर्स पैदा होने का रिस्क है उसको असेस कैसे किया जाता है ये बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिस्क असमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्वान्टिफाइंग द लेवल ऑफ रिस्क पहले इसको ज़रा देख लें क्वान्टिफाई द लेवल ऑफ रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क है किसी भी चीज़ के इवेंट के अक्ल होने का उसको नमेरिकली काउंट करें कैल्कुलेट करें इसको कहते हैं क्वान्टिफाई द लेवल ऑफ रिस्क अगला पॉइंट है एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ अ गिवन मशीन अगर आप सी एन सी मशीन पर काम कर रहे हैं या टूल मशीन पर काम कर रहे हैं या कोई इस किस्म की मशीन है जो कि फ़र्ज़ करें अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं जिस तरह के आप टूल बनाते हैं जिस मशीन के ऊपर उसमें अगर आप लोग हाथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं मैनुअल काम कर रहे हैं और प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहने हुए तो वहाँ पर किसी किस्म का लॉस हो सकता है इन चीज़ों को पहले ही असेस करना दिस इज नोन एज रिस्क असेसमेंट बाई अप्लाइंग द डिसीजन ट्री अ सिमिलर डिवाइस द रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन गिवन मशीन कैन बी क्वांटिफाइड। दिस अलाउज सेफ्टी पर्सोनल टू असाइन लॉजिक प्रायोरिटीज फॉर मशीन सेफ गार्डिंग एंड हैजर्ड प्रिवेंशन मशीन जब भी आप दुनिया से इम्पोर्ट करते हैं तो उसके साथ आपको मैनुअल मिलता है अगर आप लोग उस मैनुअल के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं प्रोसेस हैं जितनी भी गाइडलाइन हैं उन सबको फॉलो करेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि वहाँ पे कोई हैजर्ड पैदा हो उसको ही हम लोग स्टार से ही मैनेज कर सकते हैं लेकिन होता क्या है कि हम मशीन तो ऑपरेट इंस्टॉल करवा लेते हैं ऑपरेट भी करवा लेते हैं लेकिन उसके मैनुअल की केयर नहीं करते जो उसके साथ आया होता है तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम पैदा ही तब होती हैं जब उस मैनुअल के मुताबिक आप उस मशीन को ऑपरेट नहीं करेंगे रिस्क असमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं नंबर वन स्वीदिटी ऑफ पोटेंशियल इंजरीज नंबर टू फ्रीकेंसी ऑफ एक्सपोजर ऑफ पोटेंशियल हैजट्स इसमें दो चीज़ें हैं इंजरी और हैजेड इंजरी स्लाइटली भी हो सकती है स्वीयर भी हो सकती है स्लाइटली को लिटल बिट खराश आई ठीक हो गया स्वीयर हैंड लेग आईज डैमेज यू हैव लास्ट स्वियर इंजरीज अब इन सब चीज़ों को आपने देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क असेसमेंट करना होता है और नीचे वाले हिस्से में ये बयान किया गया है फ्रीकवेंसी हाउ स्मूथली या हाउ मैनी टाइम दिस प्रॉब्लम में अराइज ये उसकी फ्रिक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर टू पोटेंशियल हैजर्ड इन फ्रीकुंट है फ्रॉम फ्रीकुंट टू कंटिन्यूस है कभी कभी है या रूटीन में है या कि होती ही नहीं है ये तीनों चीज़ों को डी स्टूडेंट्स हमने चेक करना है

रिस्क असेसमेंट डायग्राम रिस्क असेसमेंट डिस एस वन एफ वन वी कैन सी फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली इंजर्ड स्वीयर इंजर्ड एंड दिस दॉबीबिलिटी ऑफ हैपनिंग दोज इवेंट्स एल टू थ्री वन ये डायग्राम जो है डी स्टूडेंट्स ये रिस्क असेसमेंट डिसीजन ट्री है जो अभी मैंने आपसे शेयर किया रिस्क असेसमेंट ये उसका इन अदरवर्स पिक्टोरियल इफेक्ट है कि अगर आप लोग ये जब ड्रा करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मशीन के ऊपर अगर रिस्क है उसको कैसे डिपेंड करना है कैसे मैनेज करना है कैसे अवॉइड करना है कैसे कंट्रोल करना है सेफ्टी मैनेजमेंट कंसर्नस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग रन परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाती है सेफ्टी पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस वेयर ऑर्गेनाइजेशन विल डिफाइन डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशन सेफ्टी पॉलिसी कहलाती है रिटर्न yeah. प्रोसीजर नाम से ज़ाहिर है कि तमाम प्रोसीजर लिखे हुए होने चाहिए इम्प्लाई ट्रेनिंग इम्प्लाई कम्युनिकेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेल्फ असेसमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ प्रमोशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग और लास्ट ऑन गोइंग कॉन्टीन्यूस मोनिटरिंग अगर इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम पैदा ही नहीं हो सकती